सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सैमसंग के A25 5G फ़ोन के बारे में। एंड आज के अपने टॉपिक होने लगे इसके अपने फ़ोन में गाइस ब्लूटूथ की कनेक्टेड एंड पेयरिंग प्रॉब्लम को गाइस कैसे ठीक करेंगे, मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। अगर गाइस आपके फ़ोन में जो है ब्लूटूथ गाइस अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है, देन आपको अपने फ़ोन में गाइस काफ़ी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। तो आप कैसे ठीक करेंगे अपने फ़ोन में ब्लूटूथ की पेयरिंग प्रॉब्लम को एंड कनेक्टेड प्रॉब्लम को, जानेंगे कि इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपन चलते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में। सबसे पहले गाइस आपको अपने फ़ोन की सेटिंग कौन करना है, थर्ड पार्टी या फिर गाइस किसी भी, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपको चले जाना गाइस अपने फ़ोन के कनेक्शन में, देन आपको यहाँ पर देखिए ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करते, आप इस पर गाइस ऑन करते, फिर गाइस आपके फ़ोन में जो ब्लूटूथ था वो पेयर नहीं कर रहा है एंड कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो अब इसके लिए गाइस क्या करेंगे, आपको बैक चले जाना है, फिर से आपको बैक चले जाना है। अब देखिए आपको नीचे में ऑप्शन मिलता है अबाउट फोन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब गाइस आपको यहाँ पे देखिए रिसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे देखिए रिसेट नेटवर्क सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। अब गाइस आपको यहाँ से अपने फ़ोन के ब्लूटूथ की गाइस सेटिंग को रिसेट कर लेना है। आप क्या करेंगे, सिंपली आपको रिसेट सेटिंग पे क्लिक करना है, देन आपने अपने लॉक स्क्रीन में गाइस जो भी पैटर्न पासवर्ड लगाया था आप उसको गाइस खोल लेंगे, तो आपके फ़ोन में जो भी सेटिंग थी ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से भी गाइस अपने फ़ोन में ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। देन गाइस आपको अपने फ़ोन में एक बार जो है रिबूट रिस्टार्ट कर लेना है पावर बटन को प्रेस करके। तो गाइस आप इस प्रकार से भी अपने फ़ोन में ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं अपने फ़ोन को रिबूट या फिर पावर ऑफ करके। तो इस प्रकार से गाइस दोनों ट्रिक की मदद से अपने फ़ोन में ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय।